इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी श्री हनुमान जी को विदा करके गुरुदेव भगवान के पास गए, दंडवती करके संदेश दिए, प्रभु भैया लक्ष्मण जी और भाभी माँ आ रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने सचिव जी को बुलाकर आज्ञा दे दी, आते हैं रघुनंदन से पूजन करके चले। गंगा मैया की मनवती माँ ने मानी थी, गंगा जी का पूजन किया माँ ने, निषाद जी को लेकर भगवान अयोध्या जी की परिक्रमा लगाते हैं और मित्रों से कहते हैं, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अब तो कोई, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अब तो कोई, अवध पुरी।
पुष्पक्यान को प्रेरित किया है। पुष्पक्यान पूर्व दिशा में उतरे, भगवान ने उनको कुबेर के यहाँ विदा कर दिया। गुरुदेव भगवान को देखकर मेरे सरकार श्री चरणों में दंडवत करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने उठाकर राम जी को हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया। भरत जी प्रणाम करते हैं, प्रभु ने भरत जी को आलिंगन कर लिया। समस्त प्रदा यही विचार करती है, भगवान जैसे भरत भैया से मिले क्या हमसे भी मिलेंगे। भाव समझकर सबका भगवान ने अमित रूप प्रकटे तेही का जथा जो मिले सब कृपा। सबको भगवान कंठ लगाए मिले। अब माँ और भैया जी के साथ गुरु का आशीर्वाद लेकर प्रभु का आगे बढ़े। माताएं मंगल आरती लेकर भगवान की आरती उतारती हैं। प्रभु ने सब मित्रों को माताओं को प्रणाम करके आशीर्वाद देने की आज्ञा दी और सिखाया। मित्र लोग प्रणाम करते हैं, माताएं आशीर्वाद देती हैं। बाबा कहते हैं मैया से, देवी प्रभु जानी कई कई लजानी प्रथमता गए। भगवान जाकर राज माता मझली अम्बा के पास उनको बहुत प्रबोध किए और फिर आशीष पाकर निज निवास की ओर गए। मित्रों के लिए भाइयों को आज्ञा दी प्रभु ने, सबको स्नान करा के वस्त्र आभूषण से सजाइए। गुरुदेव की आज्ञा हो गई है, राम जी आज ही हम आपका तिलक करेंगे, क्योंकि अयोध्या के जीवन में रात्रि कुशल नहीं होती, इसलिए अभी तिलक करेंगे। माताएं सखियां मेरी माँ को मंगल द्रव्य से स्नान कराती हैं। भरत जी को भगवान ने स्वयं स्नान करा के उनकी जटाएं विवारी है और भरत जी दिव्य वस्त्र आभूषण से सज्जित हुए। गुरुदेव की आज्ञा लेकर परमात्मा श्री राम मेरे स्नान करके वस्त्र आभूषण से जब सज्ज हुए तो प्रभु बिलो कि मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। सूर्य के समान तेज जिसका वर्णन नहीं होता। माताओं को गुरुजनों को प्रणाम करके मेरे प्रभु उस दिव्य सिंहासन पर बैठे। वामांग में मेरी माँ विराजी, भरत जी और श्री हनुमान जी श्री चरण में बैठे, दोनों भैया पीछे खड़े हैं। कोई कोई कहते हैं लक्ष्मण जी चरण में है, भरत भैया भगवान का छत्र पकड़े खड़े हैं। जैसा भाव भगत का बन जाए, चरणों में सेवक लोग बैठे हैं। प्रभु ने देखा, काका सुमंत्र जी ने भगवान के शीश पर महाराज का वह मुकुट पधराया है जो दिव्यता पूर्वक सजा है। सुमंत्र जी चक्रवर्ती जी के सखा भी थे, महासचिव भी थे और सारथी भी थे। बड़ा स्नेह, बड़ा ममत्व था। ऐसा निर्वाह किए, जैसा समय रहा वैसा निर्वहन किया इन्होंने। गुरुदेव भगवान ने हाथ में लिया गौरोचन अक्षत और चंदन और तिलक सारा है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किया, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किया, मुनि सब आय सुदीया, मुनि सब हर्षी माता
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। एक बार मानसिक आरती करें हम सभी लोग। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशना नमामि राम रघुवंशना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।